तो क्या हाल चाल दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पैट के साथ आज क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई साहब, क्रिकेट की बात करनी है तो कुछ तो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं। पर मैंने सोचा कि आज किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया जाए हमारी गुजराती के स्टाइल में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सेलिब्रेशन करने का कुछ तो मोमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि उससे हमको भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के बारे में, जो जिम्बाब्वे में जो पांच T20 मैच की जो लीग थी वो उन्होंने जीत ली है। क्योंकि तीन लगातार मैच जीतने के बाद पांच में से तीन जीत जाते हो तो आप डेफिनेटली सीरीज जीत जाते हो। तो कल भाई मैं मानता हूँ कि टीम इंडिया में 11 प्लेयर की जगह पे सिर्फ 2 प्लेयर खिलाते होते ना तो भी टीम इंडिया जीत जाती। क्योंकि जहाँ पे जिम्बाब्वे ने 152 रन बना दिए 7 विकेट के गिरने के बाद, वहाँ पे टीम इंडिया ने सिर्फ 2 ही बंदों ने ख़त्म कर दिया, एक अपने यशस्वी जायसवाल और हमारे कैप्टन साहब शुभमन गिल। उन्होंने भाई किसी को मौका ही नहीं दिया रन बनाने का। जहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने 93 रन बना दिए, वहाँ गिल ने 57 रन बना दिए। तो मुझे लगता है कि कल सिर्फ 2 ही प्लेयर को खिलाने की ज़रूरत थी, पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स को भी मौका देना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों को भी लगता होगा कि साला हम इतनी गर्मी में फील्डिंग करते हैं और बैटिंग तो हमारी आती ही नहीं है। क्योंकि हमारे वहाँ हम जब भी गली में खेलते हैं तब यही होता है कि भाई मैंने फील्डिंग की है मेरी तो बैटिंग आनी ही चाहिए, मैंने फील्डिंग की है मेरी तो बॉलिंग आनी ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी एफर्ट डालते हो तो हमको सिर्फ बेनिफिट तो दिखना ही चाहिए, पर टीम इंडिया में ऐसा नहीं होता है भाई। उनको सिर्फ जीतने से मतलब है, बैटिंग आती है कि नहीं आती, बॉलिंग आती है कि नहीं आती, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ जीत से लेना देना है। और जीत से लेना देना है। मुझे ये याद आता है कि अब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारे कोच साहब बदल चुके हैं, तो हमें वो नए कोच साहब मुझे लगता है जब तक कि जो इंडिया का श्रीलंका दौरा है तब हमको देखने को मिलेंगे गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ। तब तक तो वेट ही करना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं। पर अब तक तो जो सेकंड टीम इंडिया की जो स्क्वाड है उसको तो वीवीएस लक्ष्मण लेके चल रहे, पर अब आ जाएंगे श्रीलंका दौरा पे गौतम गंभीर। तो देखने की बात होगी कि कौन ज़्यादा छक्के लगाएगा और कौन ज़्यादा ट्रॉफी जीत के लाएगा। जो हमने पूरा वीडियो बनाया तो अपने चैनल पर जाके देख सकते हो कि गौतम गंभीर के हाथ में कितनी ट्रॉफीज थी, जो 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कौन सी लीग्स आ रही है, कौन सी चैंपियनशिप आ रही है। तो पूरा वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तब तक तो हम खेलने जा रहे हैं क्रिकेट। पर आप जो मोर वीडियोज़ देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विजिट माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तो चला क्रिकेट खेलने, आप क्या कर रहे हो पता नहीं, पर डू मस्ट वॉच माई videos and do must subscribe my channel, warna let's go।